नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बताते चले कि कुशीनगर जनपद के सेवरही थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत तिवारी पट्टी घाट टोला निवासी वीर बहादुर निषाद और जंगी निषाद का 2 वर्षीय मासूम पुत्र सत्यम निषाद का आंगनबाड़ी केंद्र में बने अधूरे पानी की टंकी में डूबने से मौत हो गई थी, जिसमें संबंधित ग्राम प्रधान गोदावरी देवी के पति जटाशंकर जायसवाल के विरुद्ध स्थानीय थाना सेवरही में धारा 304 में अपराध पंजीकृत किया गया था। परंतु पीड़ित परिवार व ग्रामीण का एक समूह द्वारा हमारे संवाददाता को जो जानकारी दी गई वे काफी चौंकाने वाली थी। उक्त लोगों के अनुसार प्रधानपति जटाशंकर जायसवाल काफी पैसे वाले व्यक्ति हैं, जिसके सारे पर स्थानीय पुलिस प्रशासन कार्य करती है। तभी तो जो अपराध ग्राम प्रधान पर दर्ज होना चाहिए था वह प्रधानपति पर दर्ज की गई है और घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। प्रधानपति के तानाशाही रवैया से ग्राम सभा का विकास अनियमितता का भेंट चढ़ चुका है और उक्त प्रधानपति खुलेआम स्थानीय पुलिस प्रशासन को चुनौती देते हुए गैर इदादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होने के बाद भी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं और पीड़ित परिवार के अनुसार उक्त प्रधानपति अपने खास गुर्गों को साथ लेकर मुकदमा वापस लिए जाने व वोट नहीं दिए जाने पर जान से मारने की धमकी देता रहता है। इस संबंध में जब प्रभारी निरीक्षक सेवरही से चरिए मोबाइल संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उनके मोबाइल नॉट रीचेबल मोड में मिला। भाई साहब का क्या नाम है? वीर बहादुर निषाद। निवासी भैया कहाँ के हो आप? तिवारी पट्टी घाट टोला। भैया आपके संग क्या हादसा हुआ था? भैया हमारे साथ हादसा हुआ कि मेरा बच्चा एक ही बच्चा था और बच्चा प्रधान जी आंगनबाड़ी में और सुखते के लिए खुनवाए थे और उसमें पानी भरवा दिए और मेरा बच्चा गया उसमें डूब के मर गया। तो मुकदमा आपने पंजीकरण करवाया थाने स्थाई थाने से? हाँ, थाने में एफआईआर दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है भैया। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई? गिरफ्तारी नहीं हो रही है। आपने दो गरीब आदमी है भैया, हम कहाँ से इतना पैसा पाएंगे कि हम ला कर। भैया प्रणाम। बोलिए। मेरा नाम नंदलाल यादव है। परेशानी है हमारे यहाँ? सबसे बड़ी परेशानी है कि हमारा घर तिवारी पट्टी ग्राम सभा में है और वहाँ हमारे गांव का एक वार्ड टोला है तिवारी पट्टी घाट टोला। उस घाट टोला में एक आंगनबाड़ी केंद्र है। आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर जो है कि मनमाने ढंग से हमारे गांव के पूर्व प्रधान जटाशंकर जायसवाल जो है सरकारी धन का दुरुपयोग करके पानी का 6x4 का सोखता बनवा दिया गया और 3 महीना पहले वो बनवाया। बार बार उसको कहा गया कि उस गड्ढे में बच्चा मर गया, 2 साल का एक बच्चा मर गया। कैसे मरा? वो गड्ढे में डूब जाने से मरा है और गड्ढा में डूब जाने के मेन कारण था कि वो जटाशंकर जायसवाल है, वो गड्ढा का ढक्कन लगवाया नहीं था और उसको बार बार कहा गया था ढक्कन लगवा दो, वो झाड़ कर बोल देता था कि ढक्कन नहीं लगेगा, जितना जो जिसको मरना है वो मरे। और उसके बाद से जो है कि कई गैर जिम्मेवारी है उस प्रधान की। प्रधान जो है कि हमारे गाँव को तहस नहस कर दिया है, अपने मन से सरकारी मैप से कोई काम नहीं करता, अपने मन से अपना कार्य करता है। उसमें कोई सरकारी प्रस्ताव भी नहीं था, वो अपने मन से गड्ढा बना दिया, बाहरी रोड की सड़क का पानी उसमें गिरवाना चाहता था। इस गलती की वजह से वो पूरी जिम्मेदारी जो है कि प्रधान किया और हम लोग गांव के लोग जाकर के ग्रामीण लोग सड़क के अनशन वगैरह किए तो मौके पर SDM सहित थाना वगैरह आए तो सच्चाई जांच हुई। जांच होने के बाद से उनके ऊपर 304 एक मुकदमा लगा, गिरफ्तारी का आदेश भी हुआ लेकिन अभी पुलिस कुछ कार्रवाई की इस मामले में? कार्रवाई नहीं की, नहीं गिरफ्तार की। वो गाँव में घूम घूम करके कह रहा है कि मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता, वो मुकदमा मैं खत्म कर दूंगा, मैं पैसे वाला हूँ, वाकई वो बहुत पैसे वाला। आपने दोबारा तहरीर दिया थाने में जाके? दोबारा जाकर के हम लोग परिवार के लोग और हम ग्राम सभा के लोग भी दोबारा तहरीर दिए थाने पर, तो उसके बाद भी कोई आज तक देखने नहीं आया। उसके साथ तमाम अन्याय अत्याचार हो रहा है, वो डरा हुआ व्यक्ति है। उनके परिवार के लोग है वो बता देंगे कि 10-12 अज्ञात लोगों और उसके 2 बेटे हैं, दोनों बेटे गाड़ी सहित आते हैं और उसको डांटते हैं कि तुम मुकदमा उठवा लो नहीं तो तुमको गांव से जुड़वा देंगे, मरवा देंगे, खत्म कर देंगे सर। इंडियन प्राइम न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट।